एचएस प्रणय ने गुरुवार जापान ओपन 2023 बैडमिंटन के दूसरे चरण में हमवतन किदांबी श्रीकांत को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के कांता तोस्नेयाम को 2-0 से हराकर सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में एंट्री की है। इसी तरह वर्ल्ड नंबर 3 पुरुष युगल जोड़ी सात्विक चिराग भी अंतिम 8 में पहुंच गए हैं, जबकि महिला युगल जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जापान ओपन 2023 बैडमिंटन के दूसरे दौर में गुरुवार को एचएस प्रणय और किदांबी श्रीकांत के बीच काफी रोमांचक मुकाबला खेला गया। एचएस प्रणय पहला सेट 19-21 से हार गए। इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और किदांबी श्रीकांत को दूसरे और तीसरे में 21-9 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वही लक्ष्य सेना ने जापान के कांता तोस्नेयामा को 21-14 21-16 से हराकर सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।